बालूतरा पुलिस ने कोचलू गांव में युवक की हत्या का खुलासा करते हुए मृतक की प्रेमिका, उसके माता पिता सहित 6 जनों को गिरफ्तार किया है। प्रेमिका ने प्रेमी को मिलने के बहाने रात में घर पर बुलाया और अपने परिवार के 10 से 12 सदस्यों के साथ मिलकर पहले युवक को बंधक बनाया, फिर रात भर उसके साथ मारपीट की और उसको पेशाब भी पिलाया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने के साथ शेष अन्य साथियों की तलाश कर रही है। बाड़मेर पुलिस ने कोचलू गांव में युवक की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए मृतक की प्रेमिका, उसके माता पिता सहित 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रेमिका ने प्रेमी को मिलने के बहाने रात में घर पर बुलाया और अपने परिवार के 10 से 12 सदस्यों के साथ मिलकर पहले युवक को बंधक बनाया, फिर रात भर उसके साथ मारपीट की और उसको पेशाब भी पिलाया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ करने के साथ शेष अन्य साथियों की तलाश कर रही है। दरअसल बाड़मेर नागाणा जांगो की ढाणी ग्राम पंचायत के मुकेनाणियों की ढाणी निवासी मगाराम पुत्र हनुमानाराम सिंदरी थाने के कोचलू गांव में ऑयल वेलपेड पर काम करता था। इस दौरान उसकी जान पहचान उसी गांव की युवती से हो गई। दोनों के बीच काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवक को पहले भी 2-3 बार घर में घुसने पर परिजनों ने पकड़ा था, लेकिन तब समझाइश और उसके परिजनों को कहने के बाद उसे छोड़ दिया गया। इसके बाद युवक के युवती से संपर्क में होने का संदेह होने पर परिजनों ने घर पर भी CCTV कैमरे लगा दिए। शुक्रवार शाम को प्रेमिका ने प्रेमी को फोन करके रात को घर पर प्लानिंग के तहत बुलाया। युवक अपने गाँव से बस में बैठकर प्रेमिका से मिलने पहुंचा था। देर रात करीब 1 बजे युवक घर में घुसा। इस पर प्रेमिका और उसके परिवार के लोगों ने उसे पकड़कर बंधक बना दिया। इसके बाद परिवार के 10 से 12 सदस्यों ने वायर लाठी डंडों से मारपीट शुरू की। इससे युवक ने दम तोड़ दिया। आरोपी घटना के बाद युवक को सुबह सिंदरी अस्पताल छोड़कर भाग गए। इस संबंध में मृतक के चाचा खरताराम ने 9 जनों के खिलाफ नामजद और 4-5 अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करवाया था। तो राजपत सिंह ने बताया कि 3 व्यक्ति एक ट्रोले में मृतक मगाराम को यहाँ लेकर आए और बेड पर लेटा करके मौके से भाग गए, जिस पर संपूर्ण हालात श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय बालोत्रा को निवेदन किए। श्रीमान द्वारा मौके के लिए एडिशनल SP साहब बालोत्रा, CO साहब सिवाना, CO साहब बायतू, SHO बायतू, SHO सिवाना को भेजा गया। वह जिला DST व साइबर टीम भी मौके पर आई। वह जोधपुर से FSL टीम व MOB टीम भी आई। मौके से साक्ष्य एकत्रित किए गए। वह मृतक मगाराम के चाचा खरताराम द्वारा एक रिपोर्ट पेश की गई, जिस पर प्रकरण संख्या 147 दर्ज कर मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया। ताबाद संपूर्ण घटनाक्रम के हालात मालूम करके अलग अलग टीमें गठित कर मुलजिमानों की तलाश पड़ताल से शुरू की गई। तो दौरान तलाश मुलजिम चौथा राम की पत्नी चुनी देवी, बेटी जेठी, माना राम, खेराज राम व ताजा राम को दस्तयाब कर पूछताछ की गई। तो उनके द्वारा जुर्म स्वीकार करने पर जरीफ गिरफ्तार किया गया। प्रकरण में अन्य सरिक मुलजिमानों की तलाश पड़ताल से जारी है। सिंदरी थानाधिकारी सुरेश कुमार ने बताया कि पुलिस टीम ने प्रेमिका जेठी, उसकी मां चूनी देवी, पिता चौथाराम, पुत्र रूपाराम, ताजाराम पुत्र मेघाराम, खेराजराम पुत्र रेखाराम, मानाराम पुत्र हिम्मताराम, सभी निवासी सड़ा झुंड पुलिस थाना सिंदरी को गिरफ्तार किया है। वहीं शेष आरोपियों की तलाश की जा रही है।